वीडियो है, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूँ जैसे कि तीन टाइप का ये होता है, जैसा बर्ड्स में हॉबी और एक ब्रीडिंग और एक बिजनेस। तो गाइस, मैं आप हॉबी बात कर रहा हूँ। हॉबी में क्या होता है, एक दो जोड़ा कोई कोई लेता है घर में रखने के लिए, और घर में रखता है बर्ड्स, और केज हमेशा उठाते रहता है, इधर उधर बाहर इधर उधर करते रहता है घर में रखने के लिए, बच्चों के लिए। बट वो क्या होता है, बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और कभी कभी वो फीडिंग भी सही तरीक़े से नहीं खा पाता है, और थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, बर्ड्स सूखा और मतलब डाइट के वजह से वो मर भी जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना। ये एक होता है हॉबी। और एक जो हॉबी के लिए रहते हैं, डेली उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छा से खुराक देते हैं, तो अच्छा दे। ब्रीडिंग और हॉबी जो है दो, अगर आप हॉबी के लिए लेके आ रहे हैं और ब्रीडिंग उसको करा रहे हैं, तो उसको उनको जानकारी होना चाहिए कि उनको खुराक कैसा रहना चाहिए, बर्ड्स का, उसका खुराक, उसका पानी, हर चीज़। अब देख सकते हैं, आपको पता होगा कि पेरट दीपंकर, क्योंकि मैं उनका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ, उनसे ही इंस्पायर हुआ हूँ, जो बर्ड्स हॉबी में मैं आया हूँ, ठीक है ना। हो गया, मैं उनका वीडियो कंटिन्यू देखता रहता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत कुछ डेली उनका जो डाइट होता है बर्ड्स का, उनका आदमी है, डेली क्लीनिंग, उनका खाना पीना, मतलब उसका बर्ड्स पानी पूरा डेली क्लीनिंग और साफ़ सुथरा रखते हैं, और बहुत आदमी विजिट भी करता है। वो भी एक दिन एक टाइम में इतना उनका पास बर्ड्स नहीं था, तो वो हॉबी जब आया तो इतना क्रेज़ था उनका, जो पेरट दीपंकर। तो मैं ऐसा कहूँगा, जब मैं भी जब था, एक दो बर्ड्स लिया था उनका वीडियो देख देख के, तो मैं उनसे भी कुछ इंस्पायर होके, कुछ जैसा कि बर्ड्स डाइट वगैरह सब कुछ उनसे ही, ये उसको अच्छे से खुराक दो, उसको टाइम दो, उसको ब्रीडिंग एज होना है ब्रीडिंग के लिए, तब उसको बॉक्स एड करो, और केज साफ सुथरा रखो, पानी, डेली डाइट, और उसको मतलब ऑब्जर्व करना, वो सब चीज़ रहना चाहिए, ठीक है ना। तब आपको बर्ड्स ऑटोमेटिक वापस रिटर्न देगा, जैसे कि चिक्स अच्छा देखने को मिलेगा हर 2 महीने में, 3 महीने में, तो ऐसा होता है। और कोई होता है कि बिजनेस के लिए लेके आते हैं, हाँ भाई वो कमा रहा है बर्ड्स में, वो सेल कर रहा है, तो वो चक्कर में अगर पड़ गया तो कभी आपको बर्ड्स से रिटर्न नहीं आएगा, और आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे कि ब्रीडिंग में कि हॉबी में, ठीक है गाइस। तो ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल वीडियो है गाइस। बर्ड्स लेके जाता है किसी से, ख़रीदता है, तो मेरे को फ़ोन आते रहता है भाई कि ये बर्ड्स लिया हूँ, ऑलमोस्ट 1-2 महीना हो गया, उसको बॉक्स दिया हूँ, अंडा लाई कर रहा है, चिक्स हैच नहीं हो रहा है, और कोई कोई बोलते हैं कि अंडा पेयरिंग नहीं हो रहा है, मेल फीमेल है। तो गाइस ये देखिए, लोबर्ड्स में उनका जो लोबर्ड्स नाम है वो चूज़ करता है उसका पेयरिंग, ठीक है ना। तो उसमें हम अगर पूछेंगे कि क्यों पेयरिंग नहीं हो रहा है, उसका आंसर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, उसको पेयर चेंज करना पड़ता है, उसका फीमेल मेल फीमेल साइड सेट नहीं हो रहा है, तो दूसरा फीमेल का साथ डालना पड़ता है, दूसरा ये मेल दूसरा फीमेल का साथ डालना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है, तब भी पेयरिंग होता है, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा भी मेरे को बहुत सारा फ़ोन आते रहता है, तो उनसे मैं ये कहूँगा गाइस, देखिए एक दो जोड़ा लेने से उसमें कुछ नहीं होता है, 4-5 जोड़ा रखना है घर में, तभी ये कभी कभी एक दो जोड़े से ये प्रॉब्लम आता रहता है, क्योंकि मैं भी फेसिंग गया हूँ ये सब प्रॉब्लम में। तो ये कुछ ये नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगता है सब पेयरिंग होने में लोपर्स में। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड से। मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।